क्या कह रहा है कि 5 P R जो है इक्वल है 6 P R-1 के, तो R का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए 5 का फैक्टोरियल बाई 5 - R का फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बाई 6 - R, और यहाँ +1 हो जाएगा का फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 5 का फैक्टोरियल बाई 5 - R का फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बाई 7 - R का फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ऊपर 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल है, नीचे देखिए 5 - R है, दोनों इन दोनों से लेस देन ही है। देखिए 6 का फैक्टोरियल को 6 × 5 का फैक्टोरियल कर देते हैं, 7 - R का फैक्टोरियल को 7 - R, फिर इंटू में 6 - R, और फिर 5 - R का फैक्टोरियल करते हैं। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इधर आएगा, तो 7 - R इंटू में 6 - R इक्वल टू में 6 बचेगा। अब देखिए 6 यहाँ जो देख रहे हैं 6, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कंजिक्यूटिव क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर के फॉर्म में करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि ये भी उसी तरह पे है, तो 7 - R इंटू में 6 - R इक्वल टू में क्या हो जाए, 3 × 2 कर देते हैं, यानी कि 7 - R इक्वल टू में 3 और 6 - R इक्वल टू में 2। तो यहाँ से भी R का वैल्यू उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी R का वैल्यू 4 ही आएगा, तो R का वैल्यू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।